रिजल्ट की परवाह करे बगैर नेगेटिव थॉट्स को दिमाग में से हटाने के बाद प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, बिकॉज वही आपके रिजल्ट को इम्प्रोवाइज करेंगे। और रिजल्ट से मत घबराइएगा, समझ में आया? फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकेंड अटेम्प्ट में, या किसी ना किसी मौके पर हम सब लोग, आप, मैं, कोई और, सब ने हार का सामना किया है, कम रिजल्ट का या अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट का सामना किया है। तो अगर वो आपके सामने आता है तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्या है, वो भी तो हमें कुछ सिखा के जा रहा है, समझ में। और ऐसा तो कभी होगा नहीं कि हम जिस भी जंग में उतरें हम उसके नंबर वन बन जाएंगे या उस जंग में जीत के ही आएंगे, नहीं जी, ठीक है। बट हाँ सर, जिस भी जंग में उतरें हमारा एटीट्यूड ये होना चाहिए कि हम 100% लहू लुहान हुए पड़े बट फिर भी लड़ रहे हैं, वो मैटर करता है।